नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबीर रंजन। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। क्या होती है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, जिसकी मांग कर रहा था ट्विटर अकाउंट हैक करने वाला। दोस्तों, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के बारे में बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और मैं आपको अपने इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूँ। ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए दोस्तों एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हैकरों ने दुनिया के दिग्गज नेताओं, सेलिब्रिटी, मशहूर कारोबारी और कंपनी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया है। बुधवार को हैकरों ने जिनके ट्विटर अकाउंट को हैक किया उनसे बिटकॉइन की मांग की है। आइए जानते हैं आखिर क्या है बिटकॉइन और यह चर्चा में क्यों है। असल में बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। इसे सातोशी नकामोती ने 2008 में बनाया था। हालांकि आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि सातोशी नकामोती है कौन, कोई इंसान है या संस्था है, कहां का है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि इसे 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फॉर्म में पेश किया गया था। इसको कोई बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती है। भारत में तो रिजर्व बैंक ने इसको कोई मान्यता नहीं दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करेंसी के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में लेन देन की इजाजत दी है। यानी कि भारत में भी बिटकॉइन की खरीद फरोख्त हो सकती है। एक बार समझ लेते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। क्रिप्टो का मतलब ऐसा है कि जो है लेकिन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कि कंप्यूटर के एल्गोरिदम पर बनी है। यह सिर्फ इंटरनेट और कंप्यूटर पर उपलब्ध होती है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कि कोई मालिक नहीं होता। बहुत इंटरेस्टिंग है। डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी, यह करेंसी किसी भी एक ऑथोरिटी के काबू में नहीं होती है। डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट पर चलने वाली एक वर्चुअल करेंसी है। बिटकॉइन के अलावा दुनिया में सैकड़ों अन्य क्रिप्टो करेंसी भी मौजूद है, जैसे रेड कॉइन, सिया कॉइन, सिस कॉइन, वाइस कॉइन और मोनरो। क्रिप्टो करेंसी में रिटर्न यानी कि मुनाफा काफी अधिक होता है। ऑनलाइन खरीदारी से लेन देन काफी आसान हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है, इसलिए नोटबंदी या करेंसी के अवमूल्यन यानी कि डिवेल्युएशन जैसी स्थितियों पर इस पर कोई असर नहीं पड़ता। साल 2009 में जब बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था तब उसकी वैल्यू $0 थी। 2010 में भी इसकी वैल्यू $1 तक भी नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन आज बिटकॉइन का रेट हजारों डॉलर में पहुंच गया है। अब हम एक बार जान लेते हैं कि बिटकॉइन का लेन देन होता कैसे है। बिटकॉइन के लेन देन का एक लेजर बनाया जाता है। दुनिया के लाखों व्यापारी भी बिटकॉइन से लेन देन करते हैं। हालांकि किसी भी केंद्रीय बैंक ने अभी इसको मान्यता नहीं दी है। अमेरिका की कई दिग्गज कंपनियां भी बिटकॉइन को स्वीकार करती है। इंटरनेट की दुनिया में इसकी खरीद फरोख्त कराने वाले कई एक्सचेंज हैं। इंटरनेट की कई वेबसाइट और ऐप के माध्यम से इसकी खरीद फरोख्त होती है। वैसे एक बात गौर करने वाली है कि इसमें खरीद फरोख्त करने वाली की जानकारी छुपी रहती है। अब इसमें जो भारी उतार चढ़ाव होते हैं और उसके जो जोखिम होते हैं, रिस्क होते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। क्रिप्टो करेंसी के कई फायदे भी हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये डिजिटल करेंसी है, जिससे इसके गायब होने या चोरी होने का खतरा नहीं होता है। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से लोगों को भारी मुनाफा होता है, लेकिन इसमें काफी उतार चढ़ाव भी होते हैं, इसलिए रिस्क भी बहुत ज्यादा है। कई बार एक ही दिन में बिना किसी वार्निंग के 40-50% तक गिर जाते हैं। 2013 के अप्रैल में बिटकॉइन की कीमत एक ही रात में 70% से गिरकर $233 से $67 पर आ गया था। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि ये वर्चुअल करेंसी है और यही इसे जोखिम भरा सौदा बनाता है। इस करेंसी का इस्तेमाल ड्रग सप्लाई और हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त जैसे अवैध कामों के लिए किए जाने का डर भी रहता है। इस पर साइबर हमले का खतरा भी बना रहता है। तो दोस्तों, ये था क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन। क्या होता है, नहीं होता है, किस तरह से इसका लेन देन होता है, कौन इसका अथॉरिटी होता है, किसने इसे डिस्कवर किया था, ये डिजिटल है या मैनुअल है, आज मैंने ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। लाइक्स, कमेंट्स और शेयर मैं जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। फिर मिलते हैं एक अगले दिलचस्प वीडियो के साथ। स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे ट्यून्ड। दिस इज सुबीर, साइन ऑफ।